डियर पेडियंस, अगर कल रात आपने जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए थे तो ये जो मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कल रिकॉर्ड कर लिया था मीटिंग को, तो जो नहीं अटेंड कर पाए थे इस मीटिंग को पूरा अटेंड कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। इसमें कंपनी के जो ऑनर हैं रंजन सर वो भी आए थे और कुछ लीडर्स भी थे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं 5-7 महीने से हम लोग, तो उसके बारे में बात की गई किस तरह से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, सारे कुछ बात किया गया है। विड्रॉल क्या क्या होगा, जो हमारा शॉपिंग पॉइंट है उसका क्या होगा, विड्रॉल कितने दिन के बाद, कब से कितने कितने पेयर्स में विड्रॉल स्टार्ट होंगे, तो सारे कुछ मीटिंग में बताया गया था। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और जो आपके लीडर्स हैं, जो डाउनलाइन है, जो आपकी टीम है, इस वीडियो का लिंक उन तक जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जो अपडेट है उनको अपडेट पता चल पाए और वो ज़्यादा परेशान ना रहे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अपने टीम को भी इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। अच्छा लग रहा है आज इस जूम सेशन में बहुत सारे साथी, आज लगभग 500 प्लस रैपिडियंस की आज यहाँ पे भीड़ एकत्र हुई है और हर कोई वेट कर रहा है इस अपडेट को जानने के लिए कि क्या अपडेट है, आगे कैसे काम होना है रैपिड ग्रुप के साथ में, क्या नई रणनीति कंपनी ने अपनाई है बाउंस बैक की, कई सारे अपडेट हैं। तो दोस्तों सभी अपडेट्स की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी से करूंगा और उसके बाद हम सिस्टम पे क्या अपडेट है उसके बारे में जानेंगे और लास्ट में हमारे जो इस कंपनी के मुखिया हैं MD साहब हमारे रंजन जी, उनकी स्पीच होगी और इस प्रकार से जूम सेशन को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस जूम सेशन को और मैं आप सभी से अपील करूंगा कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ थोड़ा समय दे के इस जूम सेशन पर बने रहें और अपने और भी साथियों को आज आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैसेज आज हर किसी तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के उस सेशन को स्टार्ट करता हूँ छोटी सी स्टोरी के साथ में। दोस्तों ये स्टोरी एक ऐसे नौजवान की है जिसने 2018 में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, MBA कंप्लीट करने के बाद और अपने कई सारे अच्छे अनुभव और एक्सपीरियंस के साथ में एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था रैपिड वॉलेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी अपने वॉलेट के बिजनेस के लिए स्टार्ट हुई थी जहां पे इस नौजवान ने एक सोच और एक अवधारणा रखी कि हम मार्केट में एक ऐसे वॉलेट को इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे कस्टमर अपनी कई सारी यूटिलिटी सर्विस को और कई सारी अपने यूटिलिटी सर्विस के साथ साथ फंड ट्रांसफर मनी और कई सारे फीचर्स का उपयोग करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया दोस्तों तो मार्केट की चीजें बदली और कहीं ना कहीं जिस थीम को लेके चीजें बढ़ रही थी वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाई और कहीं ना कहीं उन्हें अपने कॉन्सेप्ट पर विचार करना पड़ा कि हमें इन चीजों पे कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तक मार्केट में कई सारे बड़े प्लेयर भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे तो कुछ ना कुछ टेक्निकल चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, ऐसे कई सारे चैलेंज थे जिस कारण से उस नौजवान को अपने लिए हुए फैसले पर एक बार फिर सोचना पड़ा कि इसमें कैसे आगे कंटिन्यू करें। उन्होंने मार्केट से फिट करने का बिल्कुल भी नहीं प्लान किया बल्कि चीजों को अच्छे तरीके से और भी नए तरीके से इंट्रोड्यूस करने का फैसला लिया, जिसके लिए उन्होंने एक शुरुआत की रैपिड वॉलेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में कई सारे अलग अलग ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने की, जिसमें से एक सबसे बड़ा ब्रांड हमारा है रैपिड बाजार का। और रैपिड बाजार की एक सोच और एक अवधारणा के साथ शुरुआत होती है। रैपिड बाजार दोस्तों बेसिकली इस सोच पे काम कर रहा था। उस नौजवान की सोच यही थी कि कहीं ना कहीं जो कस्टमर आज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट में अपने ही पैसे को खर्च कर रहा है, कुछ ना कुछ एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया जाए जहां से हर वो कस्टमर अपनी ही खरीदारी पर अपनी बचत को कर सके और अगर इस बचत को करते हुए वो दूसरे कस्टमर को इंट्रोड्यूस करता है या दूसरे कस्टमर को बचत के लिए प्रेरित करता है तो वहां से उसके लिए एक इनकम मॉडल भी डेवलप हो। और प्लानिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी विचारधारा के साथ इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता गया, चंद लोगों से इसकी शुरुआत हुई, धीरे धीरे एक के बाद एक लोग आते गए और एक दूसरे का हाथ थामते गए जिससे ये छोटा सा जो वृक्ष था ये वृक्ष धीरे धीरे बढ़ते हुए बड़ा आकार लेने लगा। कई सारे लोगों का पैन इंडिया में सहयोग सपोर्ट मिला
जिस कारण से चीजें और सर्विसेज अपडेट होते हुए आगे बढ़ी। लेकिन फिर दोस्तों लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि कंपनी ने जिन जिम्मेदार लोगों के कंधे पे कुछ जवाबदारियां रखी थी, उन जिम्मेदार लोगों ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण कहीं ना कहीं आईटी और कहीं ना कहीं मार्केटिंग टीम की कुछ कमियों के कारण कंपनी कुछ चीजों में कहीं ना कहीं सफर की। और कंपनी के सफर करने के साथ ही दोस्तों इससे जुड़े हुए सभी कस्टमर्स को भी सफर करना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने जिन सर्विसेज को कमिट करके कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, वो सर्विसेज कहीं ना कहीं कस्टमर तक प्रॉपर वे पे नहीं पहुंच पा रही थी। और ऐसे समय में दोस्तों पैन इंडिया से जुड़े हुए कस्टमर जिन्होंने कंपनी के ऊपर और कंपनी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर विश्वास करके इसकी एक शुरुआत की थी कि हम इस विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे पैन इंडिया में इस ग्रुप की विचारधारा को पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस विचारधारा पे थोड़ा सा ब्रेक लगा, और इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे मुखिया हैं इन्होंने भी काफी कुछ प्रयास किया चीजों को बाउंस बैक करने के लिए, लेकिन कई सारी लोगों और कई सारे निगेटिव विचारों के कारण चीजें कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन अब दोस्तों जिस प्रकार से हमने एक दूसरे का हाथ फिर से थामना शुरू किया है, कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही है, और कंपनी से जुड़े हुए लोग जो अपने पहचान और अस्तित्व की लड़ाई और संघर्ष से जूझ रहे थे, ये सारे के सारे लोग एक बार फिर से तैयार होकर कमर कस के उठ रहे हैं फिर से अपने इस परचम को पूरे विश्व में लहराने के लिए, पूरे पैन इंडिया में लहराने के लिए। तो दोस्तों कंपनी ने एक बाउंस बैक की बहुत अच्छी रणनीति बनाई है, और कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्लेटफॉर्म जो कभी कस्टमर सर्विस को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कभी भी कोई परेशानी आती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे के जो लोग होते हैं वो अपनी जवाबदेही से मुक्त हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उन सब चीजों का खामियाजा एक आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। लेकिन इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं हमारे कंपनी के एमडी सर मिस्टर रंजन जी का, जिन्होंने कंपनी के बुरे वक्त में और जब कंपनी एक डाउनफॉल की ओर जा रही थी ऐसे बुरे वक्त में भी बाउंस बैक की तैयारी बनाई। और ऐसे सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने ऐसे समय में कंपनी का साथ दिया, जो कंपनी के विचारों से जुड़कर कंपनी के इस विचारधारा को पैन इंडिया तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे सभी लीडरों का साथ मिला, सहयोग मिला, जिस कारण से कंपनी आज इस मुकाम पर पहुंची है। और दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले समय में कुछ महीनों में कंपनी वो रणनीति तैयार कर रही है कि इस रणनीति के सहारे धीरे धीरे जो भी हमारे नए और पुराने साथी हैं, कुछ साथी हैं तो खुश हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ बहुत ज्यादा नाराज हैं, तो जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं ये सभी साथी धीरे धीरे हमारे साथ बिल्कुल हर प्रकार की चीजों को सर्विसेज को एंजॉय कर पाएंगे। और इन सब चीजों में जो पैन इंडिया से लीडर का सपोर्ट और सहयोग मिला, जिसमें से आशुतोष जी, अवधेश जी, अजीत जी और भी कई सारे लीडर हैं पैन इंडिया में, लाल बाबू जी, अमरिंदर जी, तो कई सारे ऐसे लीडरों ने सामने आके अपनी कमांड ली और चीजों को बाउंस बैक कराने के लिए कमर कसी। तो दोस्तों एक बार फिर इसी प्रतिबद्धता के साथ हम लोग इस नए फेज टू की शुरुआत करते हैं। वैसे तो इस फेज टू की शुरुआत आज से 2 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन उस फेज टू की शुरुआत में कहीं ना कहीं कई सारी समस्याएं थी, क्योंकि वहां पे जो हमारे आईटी का पूरा काम हो रहा था, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूं, तो वहां पे जो भी आईटी का काम देखा जा रहा था, जिनके द्वारा आईटी की कमांड संभाली जा रही थी और जो भी लोग आईटी का संचालन कर रहे थे, उनके पास से कंपनी को डेटा लेने में और इस पूरे के पूरे जो डेटा है, इस पूरे के पूरे डेटा को मैच कराने में, ताकि किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की कोई इनकम
मिसमैच ना हो, कैलकुलेशन डिस्टर्ब ना हो, तो उन सब चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लग गया। और पिछले दो महीनों में सिर्फ और सिर्फ कंपनी और कंपनी से जुड़े हुए लोग इन्हीं सब चीजों के अपडेट के लिए लगे हुए थे कि कैसे हम इन सब चीजों से छुटकारा पा लें। जो समस्या एक लीडर को और एक आम व्यक्ति को रोज रोज फेस करनी पड़ रही थी और काफी लंबे समय से फेस करनी पड़ रही थी, तो उन सब चीजों के ऊपर कंपनी ने काम किया। और दोस्तों, आप सभी बधाई के पात्र हैं कि उस पहली सीढ़ी को कंपनी ने पार कर लिया है। आज आईटी की पूरी कमांड कंपनी के हाथ में है और कंपनी एक विश्वसनीय डेवलपर के साथ में काम कर रही है, जहां पे सारी चीजें प्रॉपर वे पे धीरे धीरे अपडेट होंगी, क्योंकि डेटा कंपनी का बड़ा है, नंबर ऑफ कस्टमर साइज बड़ा है। तो थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस हमें और आपको बना के रखना पड़ेगा चीजों को प्रॉपर अपडेट करने के लिए। और जो रियल एक शुरुआत फेज टू की हुई है, वो उसे हम आज से या कि एक तारीख से कह सकते हैं, क्योंकि एक तारीख से ही नए पैनल के साथ हमारी वेबसाइट लाइव हुई है। और इस नई लाइव वेबसाइट के अंदर क्या क्या फीचर हमें मिलने वाले हैं और आने वाले समय में किन किन सर्विसेज का आप बिना परेशानी के उपयोग कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, अब मैं उसकी ओर कंटिन्यू करता हूं और वो सारे अपडेट अभी आपको मिलेंगे। इसके पहले मैं एक बार कंफर्म कर लेना चाहता हूं, क्योंकि अब आगे के जो अपडेट हैं बहुत ही खास हैं। दोस्तों, अब मैं एक अकाउंट लॉगिन करके आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या क्या चीजें अपडेट हैं और किन किन जगहों पे आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे, जिससे अभी आप वर्तमान समय में इसको यूज कर पाएंगे। दोस्तों, हमारा जो डोमेन है rapidbazaar.in, इसी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही फ्रंट पेज जो है, फ्रंट डैशबोर्ड है, आपको उसी प्रकार से दिखाई देगा जैसे कि पहले दिखाई देता था। जब आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन, क्रिएट अकाउंट, वेंडर रजिस्ट्रेशन और वेंडर लॉगिन। तो वेंडर के भी जो भी लॉगिन है, जो भी वेंडर हमारे साथ पैन इंडिया में जुड़े हुए हैं, उनके भी लॉगिन यहीं से होंगे। तो आप कस्टमर लॉगिन को क्लिक करेंगे और कस्टमर लॉगिन करने में दोस्तों अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है, कई सारे लोगों के पासवर्ड रीसेट हो चुके हैं। तो ये जो पासवर्ड आपके रीसेट हुए हैं, वो सिक्योरिटी रीजन से करवाए गए हैं, क्योंकि ये सारे पासवर्ड पुराने आईटी डेवलपर के पास भी थे, तो कहीं इन सब चीजों का मिसयूज ना हो, इसीलिए कंपनी ने सिक्योरिटी नॉर्म्स का ध्यान रखते हुए ये पासवर्ड रीसेट करा दिए हैं। तो अभी आपका जो करंट पासवर्ड होगा दोस्तों, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, उस अकाउंट नंबर के लास्ट 6 डिजिट होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं एक अकाउंट लॉगिन करके आपको शुभ दिखा रहा हूं। दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है तो अब आप देख रहे होंगे ये आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है। और लॉगिन होते ही राइट हैंड में टॉप कॉर्नर में आप देखेंगे जहां पे एक कार्ड बनी हुई है, कार्ड के बगल में एक लड़के का फोटो है, वहां पे आप क्लिक करेंगे। और क्लिक करने पे अभी जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड है, उस डिफॉल्ट पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। और पासवर्ड चेंज करने के लिए आप इस माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे, चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे। और जैसे आप चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपसे ये करंट पासवर्ड आपका वही है जो आपका आईडी नंबर का आखिरी 6 अंक, जैसे आपका आईडी नंबर का है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है, तो आखिरी के 6 अंक आप पकड़ लीजिए, आखिरी के 6 अंक 5 6 7 8 9 और 0, ये आपके आखिरी के 6 अंक आपके करंट पासवर्ड होंगे। उसके बाद आप नया पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं दोबारा पासवर्ड डाल के इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इस बार दोस्तों एक अच्छा अपडेट है केवाईसी को लेके, क्योंकि केवाईसी के को लेकर बहुत सारी परेशानियां होती थी हमें आपको, तो केवाईसी को लेके कंपनी ने दोस्तों पॉलिसी अपनाई है 1 पैन कार्ड 1 आधार कार्ड और 1 अकाउंट का। तो जैसे ही आप केवाईसी सेक्शन में जाएंगे, क्योंकि सभी लोगों की केवाईसी, जब डेटा हमने वहां से फेस किया था, आईटी नई आईटी ने डेटा फेस किया था पुरानी आईटी के पास से, तो कई सारे डेटा क्रैश हो गए थे डेटा इंपोर्ट कराने में, तो उसमें से केवाईसी डॉक्यूमेंट सभी लोगों के रिमूव हो चुके हैं। तो अभी आप अपने अकाउंट के अंदर केवाईसी लगाएंगे, जिसका जो भी अकाउंट हो अपने अकाउंट पे केवाईसी लगा ले, आधार कार्ड पैन कार्ड और बाकी डिटेल भर के जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका केवाईसी इंस्टेंट अप्रूव हो जाता है, कहीं भी आपको अप्रूवल के लिए किसी को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों
अभी यूजर पैनल पे काफी कुछ काम चल रहा है, ये यूजर पैनल अभी अपडेट होना है, आपको डे बाय डे कुछ कुछ चेंजेस नजर आते रहेंगे। और चूंकि पिछले एक हफ्ते से इस डेटा इंपोर्ट कराने में और डेटा वहां से निकालने में टाइम लग रहा था और कई बार पुरानी आईटी से समस्याएं हो रही थी, इसीलिए क्योंकि लंबा समय इसमें लगना था, हफ्ते 10 दिन 15 दिन का समय लगना था, इसीलिए कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि यूजर पैनल को लाइव करके कुछ सर्विसेज को एक्टिव किया जाएगा और बाकी कुछ सर्विसेज धीरे धीरे एक दो दिन में एक्टिव हो जाएंगी। तो अभी दोस्तों जो कस्टमर को कैशबैक का प्रोग्राम है वो तो सारा सेम एज इट इज है, उसे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कुछ जो नई चीजें इसमें ऐड हुई हैं, इसमें दोस्तों एक स्टार अचीवर की इनकम और इंट्रोड्यूस की है कंपनी ने, और बहुत ही अच्छी इनकम है स्टार इंट्रोड्यूसर की। स्टार इंट्रोड्यूसर वो होंगे दोस्तों कि जिसका भी अकाउंट क्रिएट हुआ हर महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक ये इस इनकम का स्लैब चलेगा, और इस 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में कोई नया व्यक्ति या कि पुराना व्यक्ति अगर 12 डायरेक्ट कंप्लीट करते हैं, जी हाँ दोस्तों अगर आपके 12 स्पॉन्सर कंप्लीट होते हैं तो आपका जो रैंक होगा दोस्तों वो सिंगल स्टार का रैंक होगा। और जैसे ही आप सिंगल स्टार बन जाते हैं दोस्तों तो आपको एक कंपनी ने यहाँ पे एक प्रमोशन किट रखा हुआ है, उस टूल किट के अंदर आपको वो सभी चीजें मिलेंगी कंपनी से जुड़ी हुई, डायरी पेन और कंपनी प्रोफाइल से जुड़ी हुई पूरी एक कंप्लीट किट मिलेगी, जिसके आप भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ या मार्केट में किसी भी नए व्यक्ति के साथ डिस्कस करने में ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। और जैसे ही आप स्टार हो जाते हैं दोस्तों फिर अगले किसी भी महीने की 1 से 30 के स्लैब में जैसे ही आपके अंडर में 5 लोग स्टार कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका रैंक सेकंड स्टार की ओर अपडेट हो जाता है। और जैसे ही आप सेकंड स्टार होते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक बेहतरीन एग्जीक्यूटिव बैग कंपनी की तरफ से बतौर गिफ्ट दिया जाएगा। और जैसे ही आप सेकंड स्टार रैंक अचीव करते हैं किसी भी एक कैलेंडर मंथ में 1 से 30 के बीच में, जैसे ही आपके नीचे 5 सेकंड स्टार इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो आपका रैंक 3 स्टार होता है। और 3 स्टार रैंक जो है दोस्तों ये एक माइलस्टोन कंपनी ने रखा है, क्योंकि यहां से किसी भी कस्टमर के लिए कई सारी इनकम के स्रोत खुल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों ये 3 स्टार का रैंक एक माइलस्टोन है, और इस माइलस्टोन को चेस करने वाले लीडर्स को या चेस करने वाले जावाजों के लिए कंपनी ने एक शानदार इनकम और भी रखी है। 3 स्टार जैसे ही आपका अचीव होता है तो कंपनी की ओर से एक नोटपैड आपको गिफ्ट बतौर मिलता है, और साथ में आपके पैनल पे ही वेंडर इंट्रोड्यूसर इनकम आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों अब आगे से कोई भी नए व्यक्ति जो कंपनी के कस्टमर हैं वो किसी भी वेंडर को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेंडर इंट्रोड्यूसर में भी कंपनी ने कुछ इनकम रखी हुई है जो एक लीडर के लिए बहुत अच्छी इनकम है। तो जो व्यक्ति का 3 स्टार रैंक अचीव होगा वही वेंडर को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 3 स्टार से नीचे का कोई व्यक्ति वेंडर को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप वेंडर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये पैनल आपका एक्टिव हो जाता है, जैसे 3 स्टार रैंक हो जाएगा तो आप यहां से किसी भी नए वेंडर को ऐड कर सकते हैं, और उस वेंडर की पूरी डिटेल आपको यहां पूरी ट्रैकिंग मिलेगी कि उस वेंडर ने, क्योंकि जो आपको कमीशन स्लैब चलेगा तो वेंडर का तो अलग कमीशन स्लैब चलता है, लेकिन वेंडर के इंट्रोड्यूसर का जो कमीशन स्लैब होता है कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट मार्जिन आता है उस पर्टिकुलर वेंडर के पास से, उस मार्जिन का कंपनी इंट्रोड्यूसर को शेयर करती है मंथली। जैसे इसको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आज हम किसी वेंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वेंडर के स्लैब होते हैं 0 to 39% का स्लैब होता है, मतलब सॉरी 10% से लेके 39% का स्लैब है, और फिर उसके बाद एक सेकंड स्लैब और है, और उसके बाद एक स्लैब और है, तो ये 3 स्लैब के अंदर वेंडर इंट्रोड्यूस होते हैं। और जो भी वेंडर के पास से इनकम मार्जिन आता है उस इनकम मार्जिन से स्पॉन्सर को भी इनकम जाता है। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख की सेल के ऊपर किसी वेंडर के पास से 10,000 का प्रॉफिट कंपनी के पास से आया, कंपनी पे आएगा, तो इस 10,000 पे कंपनी इंट्रोड्यूसर को भी इनकम देती है, और ये इनकम आपके डैशबोर्ड में आपको शो हो जाएगा। इसके बाद 4 स्टार का रैंक है, 4 स्टार के रैंक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसपे भी
फोर स्टार के रैंक के लिए आपके पास किसी भी कैलेंडर मंथ में 5 3 स्टार आपके पास साथ में होने चाहिए, तो आपका रैंक 4 स्टार प्रमोट हो जाता है। और 4 स्टार का रैंक प्रमोट होने पे कंपनी की तरफ से आपको एक लैपटॉप गिफ्ट के तौर पे मिलता है। और उसके बाद नेक्स्ट रैंक है 5 स्टार का, और 5 स्टार की रैंक होने पे एक शानदार रिवॉर्ड आपकी तरफ को और देती है कंपनी। तो ये जो स्टार की रैंक रखी है दोस्तों, ये किसी भी कैलेंडर मंथ पे चलेगी, और जो लाइफ टाइम रिवॉर्ड है हमारा वो आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम पे काउंट करेगा। लाइफ टाइम रिवॉर्ड पे भी कुछ चेंजेस हुए हैं जो आपको पीपीटी के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंजेस उसपे आए हैं, क्या नए अपडेट आए हैं। उस रिवॉर्ड्स को कंपनी ने थोड़ा सा और इजी कर दिया है, और रिवॉर्ड क्राइटेरिया को थोड़ा सा और उसमें कुछ स्लैब छोटे कर दिए हैं, तो जिससे एक वर्किंग करने वाले जो भी लीडर हैं उनको रिवॉर्ड आसानी से अचीव हो, तो उस पर भी कंपनी ने फोकस किया है। और इसके बाद दोस्तों माई इनकम के स्लैब में जब आप आते हैं तो माई इनकम में यहाँ पे आपको अपनी सभी प्रकार की इनकम क्लियर हो जाएगी, और सारा कैलकुलेशन आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन सेकंड फेज का मिसमैच नहीं है। इस सेकंड फेज में कभी किसी व्यक्ति का कोई कैलकुलेशन मिसमैच रहा हो, जिसपे कभी हैप्पी यूजर अपडेट ना हुआ हो, या कभी आपको आपका इंट्रोड्यूसर इनकम ना अपडेट हुआ हो, या कोई भी इनकम जो आपको अपडेट ना हुआ हो पिछले इस सेकंड फेज के स्लैब में, तो ये सारा का सारा डेटा प्रॉपर अपडेट हो चुका है, और जो भी कुछ मिसमैच रहा होगा वो अब आपके पैनल पे अप टू डेट आपको दिख रहा होगा, तो सभी लोग अपने पैनल को एक बार चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक इनकम कंपनी ने और रखी है, उसको इनकम तो मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कंपनी ने एक सोशल सिक्योरिटी क्लब को इंट्रोड्यूस किया है। ये सोशल सिक्योरिटी क्लब दोस्तों, क्योंकि आज हम और आप सब लोग कहीं ना कहीं जब वर्किंग पे हैं, तो वर्किंग करते हुए कहीं ना कहीं हम कई सारी यात्राएं करते हैं, अलग अलग जगहों पे हमारा आना जाना होता है, और किसी भी यात्रा के दरमियान कब किसके साथ कौन सी घटना दुर्घटना हो जाए कोई नहीं जानता है, कोई कैजुअल्टी हो जाए कोई नहीं जानता है, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कंपनी ने एक यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी क्लब को इंट्रोड्यूस किया है। ये सोशल सिक्योरिटी क्लब दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, इस पे शामिल होने के लिए आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया दिया गया है। आपकी ज्वाइनिंग डेट से अगर 60 डेज के अंदर जिस डेट को आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है या कि अपना मेंबरशिप एक्टिवेट किया है, उस डेट से लेके अगले 60 दिन के अंदर अगर आप 15 इंट्रोड्यूस करते हैं, 15 कस्टमर, वो कस्टमर किसी भी कार्ड वैल्यू के हो सकते हैं, 1000 के, 5000 के, 25000 या 1,00,000 पॉइंट, किसी भी पॉइंट वैल्यू के हो सकते हैं। जैसे ही आप ये 15 इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप सोशल सिक्योरिटी क्लब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और इस क्लब में जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो कंपनी की तरफ से जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर के वॉलेट हैं उन सभी के वॉलेट में जब इस क्लब के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो उस व्यक्ति का पर्टिकुलर जो डेटा है, जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर के वॉलेट है सभी वॉलेट पे वो डिटेल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति ने अगर अपने प्रोफाइल पे फोटो लगाई है तो फोटो, और उस व्यक्ति का सिटी स्टेट के साथ में उसकी अकाउंट डिटेल वहां पे शेयर हो जाएगी, और उस अकाउंट डिटेल पे हमारे जितने भी वॉलेट होल्डर रहे उस अकाउंट डिटेल पे कुछ ना कुछ डोनेट कर पाएंगे अपनी तरफ से, और ये डोनेशन की रकम, डेटा जैसे से साइज बढ़ेगा ये डोनेशन की रकम बहुत बड़ी हो सकती है दोस्तों। और इसके लिए कोई भी हमें आपको कोई रिन्यूअल नहीं देना है, ये हमारा समझिए कि कंपनी के साथ एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी बॉन्डिंग हो चुकी है। इसके लिए कोई आपको ईएमआई पे नहीं करनी है, कुछ भी कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं दे, कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। और जैसे जैसे कस्टमर का डेटा बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, और किसी व्यक्ति के साथ भगवान न करे कोई कैजुअलिटी हो जाए तो 50,000 लोग अगर दोस्तों 10-10 रुपए भी डोनेट करते हैं तो 5,00,000 रुपए की रकम उस पीड़ित व्यक्ति के परिवार को पहुंच जाएगी, और ये 5,00,000 की रकम दोस्तों इंस्टेंट पहुंचेगी, जो उसको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सहायता कर रही होगी। और जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा वैसे वैसे इस इनकम का या इससे पहुंचने वाली मदद की रकम बढ़ती चली जाएगी। तो ये बहुत अच्छी इनकम इंट्रोड्यूस की है दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे,
और इसके बाद दोस्तों जो एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं लोगों को समस्या रही है या कि जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा वो रहा पेमेंट। पेमेंट को लेके लोगों के अंदर काफी सारी भ्रांतियां थी कि पेमेंट कैसे होगी, कब होगी, कितने टाइम में होगी, लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों पेमेंट को लेके भी बहुत अच्छे अपडेट है जो हमारा ये नया वॉलेट अपडेट हो रहा है। इस नए वॉलेट के अंदर में आप जो भी विड्रॉल करेंगे या जो भी आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करेंगे कार से पे गूगल पे पेटीएम के माध्यम से हम फंड को इंस्टेंट रिसीव कर लेते हैं एक यूजर से दूसरे यूजर के पास तक। उसी प्रकार से जब आप अपने पॉइंट्स को रिडीम करेंगे तो ये पॉइंट आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट पे क्रेडिट मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट हुआ है, लेकिन इस अपडेट के लिए दोस्तों थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो पेमेंट है ये पेमेंट जानी है हमारे रैपिड वॉलेट से और उसके लिए कई सारी कंडीशंस हैं, कई सारे नॉर्म्स हैं, कई सारी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हैं। तो वो सारी कंपनी ने अपने हैंड से कर दी है और बस उस लीगलिटीज कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं। उस वॉलेट पे वर्क हो रहा है, जैसे ये लीगलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी दोस्तों तो 2 से 3 दिन का मैक्सिमम टाइम हमको और लगेगा इस नए वॉलेट को इंट्रोड्यूस करने में। और उस वॉलेट के अंदर कई सारे फीचर के साथ वो वॉलेट रहेगा। फोन पे गूगल पे के अंदर जितनी भी हम यूटिलिटी सर्विस बिल पेमेंट, ईएमआई पेमेंट, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, गैस सिलेंडर बुकिंग, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, जितने भी फीचर आपको दिख रहे हैं ये सारे फीचर हमारे रैपिड वॉलेट के अंदर होंगे दोस्तों। और इन सभी की अलग अलग क्या कहते हैं, इन सभी चीजों के लिए क्या अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। तो कंपनी ने स्टेप बाय स्टेप कई सारी प्रोसेस कर दी है, तो धीरे धीरे ये सारे फीचर हमारे वॉलेट पे एक्टिव हो जाएंगे और ये सारी सर्विसेज हम आप अपने रिडीम पॉइंट से यूज कर पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अपडेट है दोस्तों हमारे इस नए वॉलेट के साथ में। और वेंडर के पास दोस्तों अभी आपका एक एक्सपीरियंस बदलने वाला है। वेंडर पैनल पे जो भी हमारे वेंडर रहेंगे, अभी जैसे कि आप किसी भी वेंडर या किसी भी स्टोर पे शॉपिंग करने जाते हैं तो अभी आपके शॉपिंग के एक्सपीरियंस को कंपनी और बेहतर करने जा रही है। अभी हम जब शॉपिंग करने जाते थे तो हम स्टोर पे अपना अकाउंट नंबर शेयर करते थे, अपना आईडी नंबर, और उस आईडी नंबर के ऊपर एक ओटीपी आता था और ओटीपी देने के बाद ही आपकी शॉपिंग डन होती थी या कि पासवर्ड देने के बाद आपकी शॉपिंग डन होती थी। लेकिन दोस्तों अभी जो वेंडर के लिए हमारा ऐप तैयार हो रहा है ये अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये भी लाइव हो जाएगा। तो इससे हर वेंडर का एक सेपरेट क्यूआर कोड जनरेट होगा और वो क्यूआर कोड हर वेंडर या हर स्टोर के ऊपर आपको मिलेगा और आपके रैपिड वॉलेट के पैनल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा क्यूआर स्कैनर का। जैसे ही आप अपने क्यूआर स्कैनर से उस कोड को स्कैन करेंगे आपका जो भी बिलिंग अमाउंट है आप उस बिलिंग अमाउंट को अपने रिडीम वॉलेट से या रैपिड वॉलेट से, पर अभी कंपनी आपके जो आपको पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट के लिए तो रैपिड वॉलेट है, लेकिन जो आपकी शॉपिंग है तो शॉपिंग के लिए कंपनी का जो शॉपिंग वॉलेट है तो वहां से जब आपके पॉइंट कट होते हैं तो आपको के पॉइंट जैसे आप स्कैन करके पे करेंगे वैसे ही पॉइंट आपके वहीं से माइनस हो जाएंगे, आपको अकाउंट नंबर बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी दोस्तों। और जो स्टोर पे बिलिंग कराने में जो आपका टाइम लगता है वो टाइम भी बहुत कुछ बचेगा। तो ये शॉपिंग एक्सपीरियंस और अच्छे और शानदार होने वाले हैं। और इसके साथ ही दोस्तों जो अभी हम अपने क्या कहते हैं रैपिड बाजार की वेबसाइट को क्रोम पे या गूगल पे लॉगिन करके ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर पाते हैं तो इसके लिए भी हमारा एक ऐप आ रहा है। और इस ऐप में जिस प्रकार से आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके सारी डिटेल देख सकते हैं तो उस ऐप में भी आप अपने सारी डिटेल को सेम आईडी एंड सेम पासवर्ड से लॉगिन करके सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो अब आपको बार बार गूगल पे जाके वेबसाइट सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, आप अपनी वर्किंग के लिए रैपिड बाजार के ऐप से और अपनी पेमेंट के लिए रैपिड वॉलेट के ऐप से काम कर पाएंगे। और वेंडर का भी एक अलग सेपरेट ऐप हो रहा है।
तो कई सारी चीजें और कई सारे अपडेट है दोस्तों। अभी कुछ चीजें अपडेट हो चुकी हैं, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कुछ चीजों को अपडेट होने में, वॉलेट अपडेट होने में और ऐप अपडेट होने में अगले 2 से 3 दिन का समय और लगेगा। तब तक हमें और आपको थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बनाए रखना है और मोस्ट ऑफ द अपडेट तो मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उस शख्सियत की तरफ जिनसे मिलने के लिए और जिनको सुनने के लिए आप सब लोग काफी बेताब हैं और जिनको मिलने और सुनने के लिए हम सब लोग यहां पे एकत्र हुए हैं। तो दोस्तों, इन्हीं अपडेट्स के साथ, इस सारे अपडेट्स को इंट्रोड्यूस करने वाले और इन सभी अपडेट्स को हम तक, आप तक पहुंचाने वाले और बाउंस बैक की इतनी सॉलिड तैयारी करने वाले उस शख्सियत को मैं कॉल करता हूं और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी हैंड रेज करके हम सब एक बार उनका स्वागत करेंगे इस ग्रुप की तरफ से जो मिल रहा है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं और चलिए आप लोगों की इसी प्यार और अभिवादन के साथ मैं रंजन सर को कॉल करता हूं। रंजन सर, अगर आप मेरी बात पहुंच रही है आप तक, अपने आप को अनम्यूट करके आप। वेलकम सर। यस मनीष शांतिया, थैंक यू सो मच टू मच ऑल रेपिडियंस। सभी रेपिडियंस आपका सर बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपसे। और बहुत ही बड़ी बेसब्री से हम खुद रेपिडियंस को सारी अपनी सारी सर्विसेज को परफेक्ट करने का इंतजार कर रहे हैं और डे बाय डे उसे कर भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, जो भी लेटेस्ट अपडेट था मेरे दोस्त, आप लोगों ने मनीष जी से द्वारा सुना ही होगा कि अब आईटी कंट्रोल कम्प्लीटली हमारे हाथ में है और इसे बेहतर से बेहतर बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कि अब कभी आईटी से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति को कोई चैलेंज ना हो। और साथ ही साथ में आने वाले समय में इस वॉलेट पे जो भी हमारा विजन था, जो सारे फीचर्स, जो सारी टेक्नोलॉजी को उनके देने की जो कमिटमेंट थी, वो सारी चीजें इस पर ऐड होंगी। बट यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दे की बात है जी, ये ज्यादा बात नहीं करूंगा, सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि जो मेन इशू है विद द कस्टमर्स एंड विद द कंपनी, वो है कि हमारे विड्रॉल और हमारे सर्विसेज कब से स्टार्ट होगा। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कंपनी कुछ समस्याओं से जूझ करके और फिर से बाउंस बैक कर रही है और ये बेहतर तरीके से कर रही है। समस्याएं हुई है तो निदान रातों रात नहीं होता, एक समय के साथ ही होता है। समय की जर्नी ऑलरेडी 3 to 4 months निकल भी चुका है और हम पहले से काफी बेहतर तरीके से बैलेंस्ड होकर के फिर से ग्रो कर रहे हैं और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल आप सारे लोगों को जो कंपनी नई सर्वर, नई टेक्नोलॉजी, नई डेवलपर के साथ जो चीजों को रिकवरी किए हैं, उनमें से जो अभी सबसे फर्स्ट पेज पे काम यही करना है कि आपकी टीम के जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों के पासवर्ड जो हैं वो उलट पुलट हो चुके होंगे। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लॉग इन करने में जो दिक्कतें आ रही होंगी, ऑलरेडी इसके बारे में मनीष जी ने भी बताया होगा, आप अपनी आईडी जब खोल रहे होंगे और फर्स्ट टाइम जब आप रैपिड के साथ जुड़े थे और आपने जो पासवर्ड बनाया था, या तो वो आपका पासवर्ड होगा, नहीं अगर उससे भी लॉगिन नहीं हो तो आपके आईडी का जो लास्ट का 6 डिजिट है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक अगर आपका आईडी नंबर है तो आपका जो पासवर्ड होगा वो आपका 5-6 से स्टार्ट होगा, जो कि लास्ट की 6 डिजिट होगी जिसे कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए पासवर्ड के तौर पे। ध्यान से, गौर से ये चीज नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी स्टडी में जब अपडेट होने के बाद हमने कई सारे लीडर को ये बातें बताई थी। आफ्टर ऑल वो पूछते हैं कि पासवर्ड क्या है, पर प्रैक्टिकली में उनका वही पासवर्ड निकलता है जो हम बताएं। दूसरी चीज है कन्वर्सन रेशियो जो है वो सिर्फ 31 अगस्त ये दिसंबर तक ही चलेगा। जितने भी लोग चाहते हैं कि रैपिड के साथ मुझे आगे बढ़ना है, काम करना है, आपके पास बैलेंस भरा हुआ है,
आप उसका 50% प्लस 50% कैश के साथ आप हमारे न्यू सिस्टम पे आ जाइए, अन्यथा जो भी नहीं आएंगे 31 दिसंबर के बाद, भले ही हमारे पास 1,000 कस्टमर क्यों ना हो, हम दूसरे कस्टमर के साथ अब कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। हम उन सब की अकाउंट को सेटल करेंगे विद ऑल द कैलकुलेशंस। आपने जो भी रैपिड से शॉपिंग किया होगा, जो भी विड्रॉ किया होगा, या फिर जो भी आपका चीजें निकल चुकी होगी, उन सब लोगों को ऑलरेडी सेटल कर दिया जाएगा। बिकॉज हमें कंपनी चलानी है मेरे भाई, लंबे समय के लिए चलानी है। हम यहाँ पे एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आए थे। कॉन्सेप्ट का मकसद ये नहीं था कि कोई इन्वेस्टर आए, अपना एक का तीन करे और वो अपना एस नो मॉज करके आगे बढ़े, और अगर करने भी आए हैं तो सिस्टम को फॉलो करके आगे बढ़े तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। 2-2.5 महीने का चैलेंज का आया, ऐसे प्यारे प्यारे शब्द लिख के भेज रहे हैं, जैसे कि मैं उनके घर पे गया था कहने कि बाबू साहब आइए, आ जाइए, आप नहीं आइएगा तो कंपनी आगे ही नहीं बढ़ेगा। और जब हमारे एसोसिएट अगर आपके पास गए तो बताएं, तो उन्होंने सारे सिस्टम को भी बताया हो, उन सारे सिस्टम को बताने के दौरान जो गलतियां हुई, ऐसा नहीं कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक्सेप्ट करते हुए यह भी कह रहा हूं कि भाई टाइम मेरा बचा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप अगर कोई भी मेंबरशिप ज्वाइन किए हैं तो उसका टाइम लाइन खत्म हो गया है। विद इन द टाइम लाइन आई विल सॉल्व एवरी इशू और आपको वही सर्विस प्रोवाइड होगी जिस सर्विस की कमिटमेंट की वजह से आप रैपिड ग्रुप को ज्वाइन किए थे। बट आफ्टर ऑल कई सारे ऐसे प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि तो उनके लिए तो लगता है कि मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट दिया ही क्यों था, है ना, कितना अच्छा रैपिड बाजार 2018 से बेहतर तरीके से चल रहा था, क्या पागलपंती आ गई थी कि चलो कुछ बदलाव करते हैं, लोगों के खर्चे में लोगों का इनकम क्रिएट करते हैं। बट मुझे पता है कि मैं ये चीजें कर लूंगा, 0.8 की परसेंटेज रेशियो में भी मैंने लोगों को एक बेहतरीन डेवलपमेंट के साथ बेहतरीन अर्निंग प्रोवाइड किया है। ये सेकेंड फेज 0.5 ये हमारे लिए और भी आसान है। मुझे ये प्रूफ करने की अब जरूरत नहीं कि ये चीजें मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दो महीने करके पहले ही प्रूफ किया है सक्सेसफुली कंप्लीटेड फेज वन। फेज टू में कुछ चैलेंजेस आए हैं, चाहे इसे साजिश का नाम दे या कोई भी नाम दे, हम इस चीज को ब्लेम नहीं करेंगे। आई हैव एक्सेप्टेड ऑलरेडी दिस चैलेंज हूएवर हैज गिवन टू, और उस चीजों को प्रूव करना और बेहतर तरीके से अपनी कंपनी को ऊंचाई पे लेके जाना, ये मेरा कमिटमेंट है। आप इस सिस्टम में आए हैं, मैं मानता हूं कि हमारे सिस्टम में आकर के आपको पिछले 2-3 महीने से कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बट अगर पेशेंस बनाए रखेंगे, कंपनी को अपने स्तर पे काम करने देंगे, तो आने वाले 2-3-6 महीने में आपकी लाइफ भी उतनी ही बेहतरीन हो जाएगी जो समझ करके आप आएंगे। और अगर ऐसा कुछ करना नहीं होता तो दिन रात अभी भाग के हमें इस चीजों को बढ़ाने के लिए, इसे बेहतर करने, एंड द सीनियर्स जितने भी रैपिड ग्रुप से जुड़े हुए हैं अपने अपने टीम को सही तरीके से एडुकेट करें, और बहुत ही जल्द कंपनी के जितने भी आईपीए होल्डर रहे हैं या एसआईपीए होल्डर रहे हैं उनसे हमारी मुलाकात होगी, वो भी इसी मंथ में। बिकॉज जो आईपीए हैं और एसआईपीए हैं वही वो शख्स हैं, वही वो रियल रैपिडियंस हैं जिन्होंने रैपिड का पूरा कारवा खड़ा किया, और पूरा कारवा खड़ा करने पर मुझे उनके जरिए ही रियल डेटा, रियल कैलकुलेशन पता चलेगा कौन सी टीम क्या डिमांड कर रही है, चाहे वो कन्वर्सन्स को एक्सेप्ट कर रही है, सिस्टम के साथ चलने को तैयार है या नहीं चलने को तैयार है। विद द न्यू फेज टू सिस्टम में ऑलवेज स्वागत है उन सारे लोगों का जो आ रहे हैं, उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारा विजन ना कभी 6 महीने के लिए था, ना कभी साल भर के लिए। माय प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड फॉर टिल 2030, मगर चैलेंजेस कहां नहीं आती है, हर जगह आती है, और हर लोग डे टू डे लाइफ में चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर जहां पे एक कंपनी के ऊपर आ गई, जहां पे थोड़े दिन के लिए समस्या के आ गई, इट्स वेरी इजी टू फिंगर आउट, बट डोंट वरी, ये फिंगर जल्दी ही दूसरे रूप में एक्सेप्ट होगी और आपको एहसास होगा कि रैपिड बाजार कभी उस विजन के साथ नहीं था जो विजन आप सोच रहे हैं। रैपिड बाजार एक लंबा चलने के लिए, एक लोगों को कैरियर प्रोवाइड करने के लिए एक ऐसी संस्था बन के उभरेगी
जहां पे एक गरीब बालक को कभी रोजगार के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अच्छे से सर्टिफिकेट लेने के बावजूद भी अगर वो व्यक्ति हजारों इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर के निराश होकर बैठा रहता था, तो आज रैपिडियन चीफ बनने के बाद तो उसको उसकी लाइफ में एक बेहतर सर्विस स्टार्ट हुई थी। और इसे मैं प्रूव करके रहूंगा, इट विल हैपन, ये मेरा कमिटमेंट है। और हम स्लोली स्लोली हर चीजों पे बेहतर साबित होंगे। प्रॉमिस है कि पहले जैसी ना वैसी कोई गलती होने वाली है, ना पहले जैसी मैनेजमेंट होगी, ना पहले जैसे मार्केटिंग, मगर ये जरूर होगा कि जितने भी लोग सिस्टम में आए हैं वो निराश नहीं जाएंगे। सो गाइस, कल तक और भी आपके शायद कल शाम तक ऐप भी अपडेट हो जाएंगे, प्ले स्टोर पे सारे लोगों के ऐप्स खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, आप लोग अपना अपना बैलेंस कर सकते हैं। जैसे ही रैपिड वॉलेट ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद होगा, लोगों के विड्रॉल टेस्टिंग के लिए एक हफ्ते मैनुअली चलेगा, जैसे ही सब कुछ परफेक्ट रहा इट विल कन्वर्टेड इनटू द ऑटोमेटिक, मतलब वो विड्रॉल फुल्ली ऑटोमेटिक वे पे लागू होगा, जहां से आप एक क्लिक करोगे और आपका पैसा आपके अकाउंट में, आपकी शॉपिंग आपके वेंडर के पास शॉपिंग पॉइंट, मतलब एक एक पॉइंट के लिए आपको कभी ना एडमिन को तंग करना पड़ेगा, ना ही हमें मैसेज भेजना पड़ेगा कि भाई विड्रॉल लगाया है, देखिए ये हो गया, और इसे परफेक्शन के साथ आगे बढ़ाना है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत आपकी सहयोग की जरूरत है, अगर आप सहयोग करेंगे तो इन सारी समस्याओं और इन सब चीजों से पूरी संस्था बहुत जल्द से जल्द बाहर आ जाएगी, नहीं करेंगे तो भी बहुत थोड़ा समय लगेगा, 2-3 महीना एक्स्ट्रा और लगेंगे, बट इसे बाहर जरूर लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे रैपिडियंस, मुझे लगता है कि जो भी अपडेट और आज मिला है आप लोग इससे खुश होंगे, आने वाले समय में डेली आपको जूम मीटिंग एंड टेक्निकल अपडेट्स मिलते रहेंगे और जल्दी ही सबके पैसे भी उनके पास पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस जूम सेशन में अपना एक महत्वपूर्ण समय देने के लिए और इस अपडेट को सभी रैपिडियन तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, सर के भी माध्यम से जो भी कुछ खास अपडेट थे वो सब अब तक पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, बस अब एक ही बात मैं कहूंगा कि कंपनी ने तो अपनी तैयारी कर ली है बाउंस बैक के लिए, अब वक्त है हमारा और आपका। जो भी साथी जिनकी पहचान ही रैपिड बन चुकी है, अब उन सभी साथियों को कमर कसनी होगी दोस्तों, और उन सभी लोगों को और उन सभी ताकतों को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है जिन्होंने हमसे आपसे रैपिडियन होने की पहचान छीनने की कोशिश की है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये परिवार फिर से एकजुट होगा और हम सब मिलके पूरे पैन इंडिया में दोस्तों इस ग्रुप को और इसकी विचारधारा को एक आम जनमानस तक पहुंचाएंगे और इस छोटे से वृक्ष को एक विशाल वटवृक्ष का रूप देंगे, ताकि हर कोई इस वटवृक्ष की छांव में आना चाहेगा। और इतनी सारी सर्विसेज और इतनी सारी फीचर्स इस वॉलेट में अपडेट होने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं ऐसे दोस्तों, आज का ये जूम सेशन कैसा रहा? कुछ लोग अगर कई सारे लोगों ने हैंड रेज कर रखे हैं, कुछ अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, तो मैं एक एक करके कुछ लोगों को, क्योंकि कई सारे लोगों को के साथ तो हम बातचीत नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ लोगों को मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा और वो भी अपनी बातों को रख पाएंगे। काफी सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी बातों को कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, मैं
आपकी बात सुनने से पहले एक अपडेट आपको और दे देता हूं कि सब चीजें तो अब ऑटो मोड पे जा ही रही हैं, लेकिन कई बार दोस्तों क्या होता है, टेक्निकल रीजन से या किसी और भी कारण से कई बार हमें कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसी किसी कोई को परेशानी होती है, चाहे वो केवाईसी से संबंधित हो या किसी भी चीज के संबंध में हो या आपके पासवर्ड के संबंध में हो, तो अभी कुछ मेल आईडी ग्रुप में सर्कुलेट हो जाएंगे कंपनी की तरफ से, और उन मेल आईडी पे जिस भी व्यक्ति को पासवर्ड संबंधित अगर समस्या होगी तो पासवर्ड के लिए अलग मेल आईडी होगा, और केवाईसी रिलेटेड अगर कोई समस्या होगी तो उसके लिए अलग मेल आईडी सर्कुलेट होगा, और कोई भी सपोर्ट या आप अपने सुझाव लिखना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग मेल आईडी, ये अभी ग्रुप में सब सर्कुलेट हो जाएगा। तो ये मेल आईडी आपको सर्कुलेट हो जाएंगे, और इस मेल आईडी पे ये मेल आईडी आप कस्टमर तक या जो भी आपके टीम में है इसको सर्कुलेट कर देंगे, तो कई सारे लोगों के जो अननेसेसरी कॉल आपको इन सभी चीजों के लिए आएंगे, तो ये सारे कॉल कंपनी के कस्टमर केयर में लैंड हो जाएंगे, ये सारी क्वेरी कंपनी के कस्टमर केयर में लैंड हो जाएगी, जिससे आपका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ सके और आप छोटी मोटी समस्याओं को लेकर ही ना उलझे रहें, आप अपने वर्किंग पर फोकस कर सकें, आप अपने गोल को चेज करने पर फोकस कर सकें। तो दोस्तों चलिए कुछ लोगों से बातचीत कर ली जाए। इमरान जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। इमरान जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, और गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग इमरान जी। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आज माफी चाहूंगा, मैं ऑन द वे था क्योंकि मैं किंग स्टोर के टायर के लिए गया था, ऑलमोस्ट देखिए बात हो गया है, 50% हो गया, बाकी 100% हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपके जोश और जज्बे को सलाम है सर, कि आप ऑन द वे होते हुए भी मीटिंग से कनेक्ट रहे और इसके बाद भी आप हमारे साथ लाइव हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर, इसी जोश और जज्बे के साथ हमें काम करना है आगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, जो लाइफ में जो ड्रीम बनाया है ना सर, मैंने उस ड्रीम को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही है, वो है मैं। ठीक है, मैं ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ सर, और बहुत अच्छी कुछ कर दी आप लोगों ने दिया है, और वाकई में ये अल्टीमेट है सभी के लिए, उन लोगों के लिए जो कुछ जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है रैपिड मजार के माध्यम से, और मैं कहूंगा वर्जन 2 आ गया अपडेटेड मॉडल के साथ, जहां पे हर सारी चीजें आपको मिलेगा, जैसे आपने बताया वॉलेट में बहुत सारी चीजें अपडेट हुई है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का बिजली का बिल हो गया, आपके जो भी बिल पेमेंट है वो सारी चीजें यहाँ से होगा, तो सर हमारे लिए तो एक तरह से बहुत बेहतरीन हो गया। अब हम क्यों गूगल पे फोन पे पेटीएम पे यूज करें, तो हम अपने वॉलेट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे, और सबसे अच्छी बात है आपने बताया वेंडर का एक अलग से ऐप तैयार हो गया, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था, ये कन्वीनियंट है, और सर हम लोग तैयार है, रेडी है, बाकी आप जो जैसा डायरेक्शन दीजिएगा उस डायरेक्शन पे हम काम करेंगे और रिजल्ट मिलेगा सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, शुक्रिया। शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए दोस्तों, काफी सारे लोग बात करने के इच्छुक हैं, लेकिन समय अभाव होने के कारण आपसे के साथ बातचीत नहीं की पाएगी, और चलिए दोस्तों इन्हीं सब अपडेट्स के साथ अब ये टेक्निकल जूम मीटिंग कंपनी के हैंड से कोशिश की जाएगी कि डेली हो, जिसपे आपको रोज नए नए जूम अपडेट मिलते रहे, सिस्टम पे क्या अपडेट हो रहा है, क्या वर्कआउट हो रहा है, और बहुत जल्द कंपनी की ओर से कुछ ट्रेनिंग सेशन भी प्लान किए जा रहे हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से कंपनी का रोड मैप है, रोड मैप के हिसाब से लीडर भी तैयार हो सके, जिनके पास प्रॉपर जानकारी हो, तो उन सब चीजों के ऊपर भी कंपनी वर्कआउट कर रही है। तो धीरे धीरे दोस्तों बहुत सारे अपडेट्स और भी अभी आने वाले हैं, और कंपनी ने जो अपने इस नए वॉलेट की शुरुआत की है दोस्तों, ये मास्टर स्ट्रोक है कंपनी का, क्योंकि कंपनी इस नए वॉलेट के सहारे दोस्तों भविष्य में, आज ही हमारा वॉलेट सेमी क्लोज वॉलेट है, और इस सेमी क्लोज वॉलेट को कंपनी आगे ले जाके ओपन वॉलेट पे, जो फोन पे गूगल पे पेटीएम है, ये सारी ओपन वॉलेट है, कंपनी की मंशा और प्लानिंग इस वॉलेट को आगे ओपन वॉलेट में कन्वर्ट करने की है, और भविष्य में हम इसी वॉलेट से अपने अकाउंट से फंड भी लोड कर पाएंगे और किसी भी व्यक्ति को फंड ट्रांसफर भी कर पाएंगे। उन सभी फीचर्स के ऊपर भी कंपनी वर्कआउट कर रही है, और जैसे ही ये सब चीजों पे अपडेट आते हैं तो जूम के माध्यम से या कंपनी के ऑफिशियल जो भी सोशल मीडिया हैंडल है, वो सारे अपडेट मिलेंगे।
अजीत जी, अगर आप तक अपनी मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अजीत जी, टाइम कम होने के कारण कुछ लोगों से हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। वेलकम अजीत सर। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग भी बढ़िया हैं सर। और सारों दोस्तों के तरफ से मैं गुरुदेव को नमस्कार करना चाहता हूँ। और बोलना यही था कि आज जो भी सिचुएशन में हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो सर के द्वारा जो सपना दिखाया गया था, जिसके ऊपर हम लोग चलना चालू किए थे, और काफी लोग ने उसके ऊपर चलते हुए अपने सपना को पूरा भी किए थे, बट किसी तरह से किसी कारण से कुछ मिसहैंड हुआ, जिसके वजह से आज हम लोग थोड़ा दिक्कत में है। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग मिलकर के फिर से कंपनी के साथ में है और बड़े पे हम लोग काम करने के लिए आज भी तैयार हैं। और हमारे कुछ लीडर के बीच में आज हमारी मीटिंग सीटिंग चल रही है।